बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई रख ली है गैस पे, और इसमें मैं डाल दूंगी, एक कटोरी का नाप ले लेंगे, इस कटोरी से डेढ़ कटोरी पानी। और इसमें अभी कुछ नहीं डालना है, सिर्फ डेढ़ कटोरी पानी डालेंगे इसमें। और इसी समय मैं इसमें डाल देती हूँ लगभग 2 चम्मच ऑयल, 2 चम्मच काफ़ी है, बस 2 चम्मच ही हमें इसमें डालना है। और इसे हमें अच्छे से गर्म होने देना है। और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, बहुत ज़रा सा, जितना हमारा मतलब पानी है उसके हिसाब से। और अब हम इसमें पानी में थोड़ा सा उबाल आने देते हैं, तब तक छोड़ देते हैं। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है, इसी समय मैं इसमें डाल दूंगी 2 कटोरी चावल का आटा। और इसे धीरे धीरे डालेंगे इस तरह से, और अच्छे से मिक्स करते चले जाएंगे। अगर इस तरह एक साथ डाल देंगे तो फिर गांठ सी पड़ जाएगी। तो लो फ्लेम पे हम इसमें डाल देंगे 2 कटोरी चावल का आटा। अगर हमने 1.5 कटोरी पानी लिया है तो 2 कटोरी चावल का आटा परफेक्ट है। और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं इस तरह से, और फ्लेम कर देंगे लो। अब ये देखिए हमारा चावल का आटा अच्छे से मिक्स हो गया है। इससे ज़्यादा हमें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हमारा इसमें हो जाए। अब हम इसकी फ्लेम कर देंगे बंद, और बंद फ्लेम पे इसे हम ढक के रख देते हैं, जिससे कि इसकी जो स्टीम है उसमें हमारा चावल का आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। तो मैं इसे ढक के रख देती हूँ। देखिए मैंने ये 1 कटोरी चना दाल 4 से 5 घंटे भिगो के रख दी थी, ये और इस तरह से ये सॉफ्ट हो गई है बहुत अच्छे से। अब मैं ले लेती हूँ एक मिक्सी जार। अब मिक्सी जार में सबसे पहले मैं डाल दूंगी, इसमें मैंने ये लिए 4 हरी मिर्ची, ये तीखी नहीं है, बहुत ही कम तीखी है, ये डाल देंगे इस तरह से तोड़ के। वैसे चाहे तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, पर इस तरह से पहले डाल देते हैं तो अच्छे से पिस जाती हैं। और 1 इंच के करीब इतनी बड़ी गांठ अदरक की, और अगर आप लहसुन भी खाते हैं तो इसी समय आप इसमें लहसुन भी यूज कर सकते हैं। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 से 1.5 चम्मच साबुत जीरा। और सबसे पहले हम इन्हीं को थोड़ा सा पीस लेते हैं, हल्का सा दरदरा ग्राइंड कर लेते हैं। अब ये देखिए इस तरह का हमारा ये मोटा मोटा पिस गया है, मसाले अदरक और हरी मिर्च, ये तीनों चीज़ें पिस गई हैं। अब इसी में मैं डाल देती हूँ ये चने की दाल। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें हमें पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, और ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसनी है। तो मैं ये डाल देती हूँ और इसे दरदरा पीस लेती हूँ बिना पानी डाले। ये देखिए हमारी ये दाल है इस तरह से पिस गई है बिना पानी डाले, मैंने ये 2 बार में करके पीस ली थी। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। इसमें मैं डाल देती हूँ टेस्ट के हिसाब से नमक, हमने आटे में भी नमक डाला है तो नमक हम थोड़ा ही डालेंगे इसमें, जितनी स्टफिंग है उतना ही हम नमक इसमें ऐड करेंगे। बहुत थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और थोड़ी ज़्यादा सी हींग, क्योंकि चने की दाल है तो कभी कभी किसी को रहता है ना कि प्रॉब्लम रहती है चने की दाल से, बादी होती है उसकी वजह से, तो हींग डाल देंगे तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा गर्मी का टाइम है तो हींग ज़रूर डालें। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मेरी जो हरी मिर्च है वो तीखी नहीं है बिल्कुल भी। और सबसे मेन 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, और खूब सारा हरा धनिया। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं इसके साथ। बस ये चीज़ का ध्यान रखना कि इसमें पानी हमें बिल्कुल पीसते टाइम वो नहीं डालना है, नहीं तो ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, पतली हो जाएगी, फिर हमें बनाने में प्रॉब्लम होगी। और दूसरा ज़्यादा बारीक पीसने की भी ज़रूरत नहीं है, हल्की दरदरी रहेगी तो अच्छी लगेगी। और सबसे अच्छी बात है इस नाश्ते को आप एक बार बना के फ्रिज में रख लें, कई दिन तक आप यूज कर सकते हैं, जब भी आपको खाना है आप इसे गर्म करें और खा लें। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ सब चीज़ों को। अब ये देखिए हमारी जो दाल है वो अच्छे से मिक्स हो गई है सब मसालों के साथ। और अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत मसाले का वो है कम ज़्यादा, तो आप इसी समय थोड़ा सा लेके टेस्ट भी कर सकते हैं। अब हम इसे एक साइड रख देते हैं और अपना आटा चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा आटा रखे हुए भी लगभग 10 मिनट के करीब हो गए हैं, और अच्छे से वो फूल भी गया है।
अब हम ले लेते हैं कोई भी बड़ा बर्तन, उसमें ही आटा पूरा निकाल लेती हूँ। अब ये देखिए हमने आटा इसमें बड़े बर्तन में निकाल लिया। अब हम क्या लेंगे, थोड़ा सा हाथ पे पानी लेंगे इस तरह से, और इसे ना ये हथेली रहती है इसकी मदद से अच्छे से गूंथ लेंगे, जैसे आटा गूंथते हैं हम, जिससे कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो आप चाहें तो इसे गर्म पानी से भी इस तरह से गूंथ लेते हैं, पर अगर आप इस तरह से करेंगे ना तो बहुत अच्छे से बन के हमारा नाश्ता तैयार होगा। ये थोड़ा सा गर्म है, पर थोड़ा सा पानी लगा के हम अच्छे से गूंथ लेते हैं इसको थोड़ा थोड़ा करके। जितना अच्छे से गूंथेगा ना हमारा आटा, उतना ही हमारा परफेक्ट नाश्ता बन के तैयार होगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि आटा हमारा ये अच्छे से गूंथना चाहिए। तो मैं इसे इसी तरह से अच्छे से 1 से 2 मिनट गूंथ लेती हूँ, बहुत आसानी से हो जाएगा। जल्दी हमारा जो आटा है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और अच्छे से गूंथ भी गया है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए मैंने ये ले लिया आटा, और इसके मैं 2 पीस कर दूंगी बराबर बराबर हिस्सों में। एक हिस्सा इधर रख देती हूँ साइड में इस तरह से, और इसका अच्छे से रोल सा बना लेते हैं इस तरह से। और इसे मैं हल्के हाथ से जितना पतला हम बेल सकते हैं उतना पतला हमें इसे बेलना है। ये अगर हमने जैसे इसे अच्छे से गर्म पानी से गूंथ लिया तो बहुत आसानी से ये बेल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको थोड़ा सा लग भी रहा है तो आप सूखा इसमें चावल का आटा नीचे लगा सकते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से मैं इसे पतला बेल लेती हूँ। देखिए मैंने इतनी पतली ये रोटी सी बना ली है। अब हम इस पर ये स्टफिंग जो है ये लगा लेते हैं, अच्छे से पूरे में फैला लेंगे जितनी आराम से ये फैलेगी। ये ध्यान रखना है कि सब तरफ अच्छे से, ज़्यादा मोटी भी नहीं और ज़्यादा पतला भी ना हो। तो इस तरह से एक इस चम्मच की मदद से हम चारों तरफ कर लेते हैं इसे। अगर हम ज़्यादा पतला कर लेते हैं ना इसे तो फिर ये दिक्कत क्या होती, ये थोड़ा सा ये नीचे वाला जो हिस्सा है हमने जो चावल की रोटी की तरह बनाया है ये उतने अच्छे से परफेक्ट नहीं फिर होता, सॉफ्ट सा हो जाता, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसी तरह से पूरा ये फैला लेती हूँ। देखिए पूरे में अच्छे से फैला लिया हमने। अब हम यहाँ से धीरे से ये उठाएंगे इस तरह से। और सबसे अच्छी बात है अगर हमने अच्छे से इसे आटे को गूंथा है चावल का तो ये हमारा क्रैक नहीं होगा, और नहीं तो चावल का आटा एकदम से क्रैक हो जाता है। और इसे हल्के हाथ से, ये नहीं कि जल्दी जल्दी करें, थोड़ा सा धीरे धीरे करें, और इस तरह से फोल्ड करते चले जाएंगे हम टाइट। ये देखिए इधर से हम ये इस तरह से कर लेंगे। अब ये देखिए इस तरह का हमारा पूरा रोल बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा रोल भी बना लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने पूरे बना के तैयार कर लिए हैं। ले लेते हैं इस तरह की कोई भी छलनी हो, या आपके पास स्टीमर हो उसमें भी कर सकते हैं, मैं इसमें छलनी में ही कर लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया है, और अब हम इसमें रख देते हैं ये अपने इस तरह से रोल, जितने आराम से आए उतने रख दें, मैं अभी 2 ही रखती हूँ इसमें। मैंने एक कढ़ाई में लगभग 1 गिलास पानी रख दिया था उबलने के लिए, और एक इस तरह का स्टैंड रख दिया। अब रख देती हूँ मैं इसमें ये अपने रोल, और लगभग 15 मिनट के लिए इन्हें स्टीम कर लेती हूँ। अब ये देखिए अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल के और ठंडा कर लेते हैं। देखिए ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं, अब हम इन्हें कट कर लेते हैं। तो इसमें हम ज़्यादा नहीं, आधा आधा इंच के हिसाब से कट करेंगे इसी तरह से, मतलब पतला पतला ही हमें कट करना है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा इसमें डिजाइन आया, और इतना मोटा हमें कट करना है, इससे ज़्यादा नहीं। और ये अंदर जो दाल थी वो भी अच्छे से हमारी पक गई है। तो इसी तरह से मैं सब कट कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब हम ले लेते हैं एक कोई भी तवा या थोड़ा सा किनारी वाला फ्राई पैन, इसमें मैं डाल दूँगी लगभग 1 से 2 चम्मच ऑयल, ज़्यादा नहीं ज़रूरत है 2 चम्मच के करीब, क्योंकि ज़्यादा हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा इस पर कलर लाना है। इस तरह से इनको अच्छे से फैला लेते हैं ऑयल को, और इसी समय मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच तिल, और इसे चारों तरफ इस तरह से फैला लेंगे जिससे कि हमारे नाश्ते में चारों तरफ आ जाए ये पूरा।
तिल मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि जब हम इसमें बनाते हैं ना कोई भी नाश्ता, उसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस आता है उससे तिल से, तो इसे अच्छे से हम थोड़ा सा फैला लेते हैं। ज़्यादा हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये क्या है कड़वे हो जाएंगे तिल, फिर वो नाश्ते में उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और इसी समय मैं इसमें डाल दूँगी लगभग 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, बहुत थोड़ी सी इस तरह से, जिससे कि हमारा नाश्ते पे थोड़ा सा कलर आ जाए। अब इसे फैला लेते हैं हम पूरे में। और अब हमारा नाश्ता इस तरह से हमने काट के कर लिया। वैसे तो आप चाहें तो इसे इस तरह से भी खा सकते हैं, पर मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से सेलो फ्राई करूँगी जिससे ये और टेस्टी बन जाए। और इसे इस तरह से रख देती हूँ चारों तरफ, जितने आराम से पीस आए इसमें, ज़्यादा नहीं डाल दें। और लो फ्लेम पे हम एक साइड से थोड़ा सा इस पर गोल्डन कलर आए तब तक हमें इसे इस तरह से फ्राई करना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर, मैं इसी तरह से रख देती हूँ सब। मिनट के करीब हो गए हैं लो फ्लेम पे, अब हम इन्हें पलट देते हैं थोड़ा सा, जिससे कि दूसरी साइड से भी अच्छे से कलर आ जाए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया इसके ऊपर। और लो फ्लेम पे हमें इन्हें इस तरह से करना है, जिससे थोड़ा सा क्या है, ये नाश्ता ना वैसे तो बहुत अच्छा लगता है स्टीम करा हुआ, इससे थोड़ा सा इसमें क्रिस्पीपन आ जाता है और वो और अच्छा लगता है, जो वैसे थोड़ा सा हमारा रहता है। कुछ आप वैसे खाना चाहते हैं बिना उसके, जैसे ऑयल कम पसंद करते हैं तो आप इस तरह से भी चटनी से खा सकते हैं। मैं इन सबको पलट के अच्छे से कर लेती हूँ। अब ये देखिए कितना अच्छा कलर आया, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हमारा चने की दाल से बनने वाला बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनके तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी मेरी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।